नमस्कार दोस्तों, यमी इंडिया किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गार्लिक ब्रेड की रेसिपी, जिसे मैं तवे पे सेक के बनाया है। आप झटपट इसे घर पे बना सकते हैं, बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। मेरी बेटी को ये बहुत पसंद है, आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है सॉल्टेड बटर 2 टेबल स्पून, चुटकी भर नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 4 से 5 कलियां लहसुन की जिसे हम कद्दूकस करेंगे, और कुछ ब्रेड। मैंने वाइट ब्रेड लिया है, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने सॉल्टेड बटर लिया है, अगर आप चाहे तो अनसॉल्टेड बटर ले सकते हैं। अब मैं इस गार्लिक को कद्दूकस कर लूँगी। ये मैंने गार्लिक कद्दूकस कर लिया है, अब इसे हम मिक्स करेंगे बटर के साथ। नमक और काली मिर्च अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा गार्लिक और बटर का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इस मिक्सचर को मैं ब्रेड पे स्प्रेड करूंगी। मैंने गार्लिक और बटर के मिक्सचर को ब्रेड पे स्प्रेड कर दिया है, अब हम इसे तवे पे सेकेंगे। यहाँ मैंने तवे को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है, अब मैं ये गार्लिक ब्रेड इस पे सेकूंगी। अब मैं इसे पलटूंगी। अब मैं इसे एक बार फिर पलटूंगी। आप देख रहे हैं ये भूरा होने लगा है, ब्राउन होने लगेगा और ये क्रिस्पी हो जाएंगे। ऐसे इसे पलट के सेक लेंगे हम। ये आपका गार्लिक ब्रेड तैयार हो, प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने प्लेट में निकाल लिया है। ऐसे ही हम सारे गार्लिक ब्रेड को सेक लेंगे। अब ये दूसरा गार्लिक ब्रेड भी हो गया है हमारा, प्लेट में निकाल लेंगे। नहीं, बाकी ब्रेड्स को भी हम इस पे सेक लेंगे तवे पे। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं। और ये हमारा गार्लिक ब्रेड रेडी है। आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।